हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी जो स्टेटस वीडियो हम प्रीव्यू में देखने वाले हैं, अगर आपको उसी तरीके का वीडियो बनाना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। तो देख लेते हैं प्रीव्यू। गाना बजाओ। बदला लेने के लिए ये पाले हुए कुत्ते और भाड़े के टटुओं की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। मैं अकेला ही तेरी ऐसी हालत। सबसे पहले आपको काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है, क्रिएट न्यू पर क्लिक कर लेना है और 3.4 की साइज को आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब साइड में जो सेटिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, एडिटिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। इसकी सेटिंग को यहाँ पर फिल स्क्रीन कर देना है। फोटो ड्यूरेशन को आपको इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर लेना है और 3.5 सेकंड कर देना है। अब आपको अपने कुछ फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना है जो भी आपको स्टेटस वीडियो में यूज़ करना हो। तो मैं डेमो के लिए कुछ फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया है, फोटो के पास में जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करना है और काइन मास्टर एसेट स्टोर को ओपन करना है और वाइप का ऑप्शन है नीचे की साइड, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और एक ट्रांजिशन इफेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको ध्यान रखना है आपके मोबाइल का डेटा ऑन होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं नीचे की साइड स्क्रॉल कर लेता हूं और यहां पर ये ट्रांजिशन इफेक्ट है राउंड वाइप, इसको आपको डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेना है और राउंड वाइप पर क्लिक करना है और 0.1 वाला ट्रांजिशन इफेक्ट फर्स्ट फोटो में अप्लाई करना है। सेकेंड फोटो के पास में प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करना है, राउंड वाइप पर क्लिक करना है और 0.2 वाला ट्रांजिशन इफेक्ट सेकेंड फोटो में अप्लाई करना है। तो आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपको अपने सारे फोटोज में इसी तरीके से ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मैंने सारे फोटोज में इसको अप्लाई कर लिया है। अप्लाई कर लेने के बाद आपको इस वीडियो को अपने फ़ोन में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से वीडियो आपके फ़ोन में एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक कर लेना है और 9x16 की साइज को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको एक ब्लैक इमेज को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ड्यूरेशन को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब आपको लेयर पर क्लिक कर लेना है और मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मीडिया सेलेक्ट करने के बाद एक टेम्पलेट को कर लेना है, ग्रीन स्क्रीन वाले को सिलेक्ट। इस टेम्पलेट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पर। इसी टेम्पलेट में आपको ऑडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके सेलेक्ट करना है, इसकी साइज को फुल स्क्रीन कर देना है, नीचे की साइड स्क्रॉल करना है, क्रोमा की का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और क्रोमा की को इनेबल कर देना है। अब आपको लेयर पर क्लिक कर लेना है और मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मीडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको एक इस तरीके से वाइट इमेज को सिलेक्ट करना है और एटीट्यूड लिखा है यहाँ पर लाना है और साइड में जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। इस तरीके से करना है और इसकी ड्यूरेशन को वीडियो के एंड तक कर देना है। एटीट्यूड की ई नहीं दिख रही थी इसलिए हमने ये इमेज को अप्लाई किया है। अब आपको लेयर पर क्लिक कर लेना है और मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मीडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी वीडियो को सिलेक्ट करना है जो अभी हमने हमारे फ़ोन में एक्सपोर्ट किया था। तो आपको उसी वीडियो को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद साइड जो बीच में जो सर्कल है ब्लैक, उसमें आपको इस तरीके से वीडियो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर अच्छे से परफेक्ट सेट करना है, इस तरीके से करना है। और साइड में जो 3 डॉट है आपको उस पर क्लिक करना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, यहाँ पर इस अच्छे तरीके से सेट हो जाना चाहिए। तो ये हमारे केस में अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब हम राइट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक लाइट इफेक्ट टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी साइज को यहाँ से फुल स्क्रीन करना है और नीचे की साइड स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आ जाना है, इसकी सेटिंग को स्क्रीन करना है और राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको लेयर पर क्लिक कर लेना है और मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और एक वाइट बॉर्डर PNG फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। इस फ्रेम का लिंक प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस फ्रेम को लगा लेने के बाद हमारा वीडियो बनकर लगभग रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस वाइट बॉर्डर PNG फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी साइज को यहाँ से फुल स्क्रीन करना है और इसकी ड्यूरेशन को वीडियो के एंड तक कर देना है। तो अब हम प्ले कर देखने वाले हैं किस तरीके से हमने जो है वीडियो को बनाकर रेडी कर लिया है। तो देख लेते हैं। मैं आ
मुझे बदला लेने के लिए ये पाले हुए कुत्ते और भाड़े के टटुओं की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन मुझे। तो दोस्तों, आपने देखा, हमने काफी अच्छे तरीके से स्टेटस वीडियो बनाकर तैयार कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।